हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम दोबारा खेलने वाले हैं पेल वर्ल्ड। आई नो, और मैं कुछ दिन से पेल वर्ल्ड ही खेल रहा हूँ और मेरे कॉइन्स खत्म हो चुके हैं। तो हमको मतलब आपको जो नेक्स्ट एपिसोड और कोई गेम का दिखेगा, मे बी GTA 5। चलो बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल बनी हुई है प्लीज सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। भाई आज का वही मिशन है, मेरे को कोई ना कोई खतरनाक पोकेमोन कैच करना है। कुछ एपिसोड से ये मिशन चल रहा है भाई, और मैं यार बहुत सारे खतरनाक पोकेमोन फाइट तो ले लेता हूँ पर पिट के आता हूँ। भाई यहाँ पर थोड़ा बता, मैं और एरिया एक्सप्लोर करूँगा साइड में जो ब्लैक ब्लैक एरिया है, और मैं अभी बहुत सारे पेल स्पीयर बनाने वाला हूँ क्योंकि पेल स्पीयर से मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और यहाँ पर मैं छत्रपति लोकेशन में घूमूंगा, आप देख सकते हो पोल स्पीयर मैंने बहुत सारे बना लिए हैं। यहाँ मैं थोड़ा आगे की ओर जा रहा हूँ, कोई तो खतरनाक पोकेमोन मिल जाए तो मज़े ही मज़े भाई। चलो चलो, यहाँ पर कोई सामने पोकेमोन है तो यहाँ पर वो पानी में चला गया। ये वाला पोकेमोन शायद मेरे पास है पर शायद, बाकी एक बार देख लेते हैं। हाँ ये वाला पोकेमोन तो है पर सामने एक और पोकेमोन भी है, देखते हैं कौन सा पोकेमोन है। अच्छा ये वाला पोकेमोन भी है पर मेरे पास यार, वही पानी वाला। क्या यार किस्मत ही बेकार है। और पिछले एपिसोड में आके मैं यहाँ पर मतलब फंस गया था भाई, मेरे को डर लगता है पानी से आजकल यार। स्टेमिना खत्म होता है फिर हमारा कैरेक्टर मर जाता है यार, मेरे को लग रहा है आज भी हमारे साथ यही होने वाला है। चल कोई ना, थोड़ा हम किनारे पर चल जाते हैं, हमारा जो कैरेक्टर है अपने ऊपर चल जाएगा। ये तो छोटा सा किनारा, भी ऊपर चल जा भाई करैक्टर हमारे, ये टाप भी नहीं पा रहा यार, कैसा नूप करैक्टर है भाई। स्टेमिना खत्म हो गया, अब हमारी हेल्थ खत्म होगी और जिसका डर था वही होएगा। देखना देखो हेल्थ खत्म हो रही है मेरी और मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ, मेरे को लग रहा है हर बार ऐसे ही होता है मेरे साथ यार। और बहुत दिनों के बाद मैं मर चुका हूँ, दोबारा आ चुका हूँ यार। भाई क्या करें यार, हमारा सामान जो है बहुत ज़्यादा कीमती है। और यहाँ पर हमें कोई पोकेमोन मिल चुके हैं भाई, ये पोकेमोन को जैसे मुझे कैच करना है, पिछले एपिसोड में कैच करना था और ये मर गया दोबारा यार। चल कोई ना, इसके साथ ही आसपास ही होंगे। चलो हमको एक साथी और मिल चुका है इसका, यहाँ पर दो साथी मिल चुके हैं, एक हाथ में ना तो दूसरा मैं पकड़ लूँगा। यहाँ पर देखो मैं अपनी हथियार लेके आया हूँ, यार जम चुका है तो मैं अच्छे चांसेस है पर और कैच हो जाएगा। पर जब भी पोकेमोन या जम जाता है या उसको आग लग जाती है या फॉइजन में चल जाता है तब हमारे जो चांसेस थोड़े इंक्रीज होते हैं भाई, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। यहाँ पर हम आगे की ओर जा रहे हैं, हमको एक पोकेमोन और मिल चुका है। चलो ये अभी बर्फ़ में जम चुका है जल्दी, और इस पर हमने पोकेमोन फेंक दी अपनी, जल्दी कैच हो जा भाई। हो गया कैच, हो गया। चलो भाई हमने एक पोकेमोन को और पकड़ लिया, सही बात है। यहाँ पर हमको चेस्ट मिल चुकी है, इसको चेस्ट को ओपन करते हैं। और यहाँ पर हमको एक ही पहल स्पेयर तो मिली नहीं भाई, कॉइन्स मिली और उसके पहल के सोल मिली है भाई, क्या फ़ायदा हुआ यार। और पीछे एक और चेस्ट है, इससे हमको पहल स्पेयर मिल जाए तो मज़े मज़े, फिर मेगा वेल मिल जाए तो और मज़े। चलो यहाँ पर हम जा रहे हैं आराम आराम से ऊपर, भाई चढ़ जा भाई, टाप नहीं पा रहा लगता यार। चल 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 चल, हो जाएगा हो जाएगा, स्टेमिना खत्म हो जाए बस तेरा, स्टेमिना वो जल्दी ख़त्म हो जाता है भाई का। चलो चलो हमको एक चेस्ट और मिल चुकी है भाई, इसमें भी हमको एक मिले दो मिले, पता नहीं यार क्वालिटी बड़ी बेकार है। और मेरे पास इतने पैसे नहीं है इसकी क्वालिटी में थोड़ी इंक्रीज कर पाऊँ। चिक्की वाले बहुत पैसे खाते हैं, कोइन भी खाते हैं, नेटवर्क भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। और मैं हमको एक पोकेमोन मिल चुका है भाई, इसका नाम देखो भाई, पहले मैं नाम पर ही हंस दिया दो मिनट यार। चलो यहाँ पर जम जाए एक बारी, चलो भाई जल्दी फेंक यार, यार बहुत थोड़ा डिले चल जाता कभी कभी यार, यार अभी भी कैच नहीं हुआ। चलो कोई ना भाई, इस पर एक दो हमले और कर तभी ये कैच हो पाएगा। चल भाई चल, बस वापस आ जाओ भाई, वापस आ जा। चलो अब आ जाएगा 77% चांसेस है हमारे आने के, आ जा भाई। अब नहीं है तो नखरे ना दिखा यार, ना मैं तेरे साथी को पकड़ूंगा। चल भाई आ गया, क्वैक नाम है इसका, क्वैक नहीं फैक, फैक भाई गलत नहीं बोल रहा, फैक नाम है इसका। मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग में और कोई नाम ना जा रहा है बस यार, वैसे चैनल की थोड़ी लंका लगी हुई है, एक स्ट्राइक द्वारा आ चुके हैं हमारे चैनल पर, स्ट्राइक नहीं वार्निंग आई यार। शुक्र है मैंने थोड़ी उसकी उसमें ना कोई लिंक पाए थे मैंने गेम के, भाई यार मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ हाउ टू विन गेम की, और वो भी जो गेम होती हैं वीडियोस होती हैं उसमें हमको बहुत तकलीफ पड़ जाती है यार, क्या करें। और यहाँ पर हमको एक पोकेमोन मिल चुका है भाई, ये पोकेमोन बहुत खतरनाक है, इसके लेवल बहुत खतरनाक है, थोड़ी से पंगे लेता भाई मैं। और यहाँ पर आसपास कोई पोर्टल भी नहीं है, बाई चांस मर गया तो भाई पूरा घूम के आना पड़ेगा। और यहाँ पर बहुत सारे मशरूम्स हैं, खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। चलो चलो यहाँ पर हमने खाने पीने का इंतजाम हो गया, यहाँ पर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर थोड़ा बता हमको जगह है पर ही, ऊपर कोई मज़े कोई खतरनाक पोकेमोन मिल जाए तो मज़े मज़े। और पीछे देखो एक पोकेमोन आपको दिखा है, ये मैंने पहले पकड़ लिया था जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई यार, मैं भूल गया था रिकॉर्डिंग करना, पर इतनी देर से गेम खेल रहा था रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया यार, क्या बोलूँ मैं अब, इतनी गंदी किस्मत। चल कोई ना यार, यहाँ पर हम जा रहे हैं, देखो दोबारा वही विलेज आ चुका है जैसे मैंने कहा था, इसी विलेज में मेरी एक बार मौत हुई थी। यहाँ पर हमको एक पोकेमोन मिल चुका है, इसको जल्दी रिलीज करते हैं। और हमारा पोकेमोन वहाँ पर सबसे फाइट कर रहा है भाई, भाई मेरे पे हमला नहीं आना चाहिए भाई, तुम मेरे पोकेमोन को मारो। अच्छा तू मेरे को मार ले, एक बाले से मारता हूँ मैं भाई, बाले का डैमेज नहीं जा रहा। चलो हम जा रहे हैं, 87 का डैमेज आ रहा है, सही है।
थोड़ा मतलब दूर होता है अभी, आग आग लाऊंगा इस पर, आग ला कर ना ज़्यादा डैमेज आता है कूलर से, इतना डैमेज नहीं जा रहा है यार जितना सोचा था मैंने भाई। कूलर यार दबा के लगती है पर इन पर डैमेज जा रहा है भाई, क्यों गंद से भी खतरनाक है यार भाई। मेरे को तो क्या लग रहा है, मैं ना थोड़े पीछे से कल्टी होता हूँ ऐसे कर करके भाई, इन पर हमला कर, मैं पीछे से कल्टी हो रहा हूँ भाई इनको एक दो मुक्के मार के भाई। मेरे यहाँ कोई लेन देना नहीं है भाई, तो मेरे पोकेमोन को मारो, इसने तो और हेल्थ खत्म कर दी मेरी यार भाई। अब रिस्क नहीं लेना भाई, ये पोकेमोन है मेरा, पोकेमोन तुम रख लेना, ऐसे मेरे बहुत सारे पोकेमोन है परे, और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ पीछे से कल्टी हो रहा हूँ भाई। चल 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 भाई पीछे भाई, कहीं गोली ना मार दें, उनके पास गन्स हैं पर यार, उनकी गन मैं ले भी नहीं सकता इनको मार के यार। चल बस एक बार लैंडिंग हो जाए आराम से। ओए हे भाई, 1 मीटर का रह गया, एक थोड़ा ऊपर आया था ना बच जाता। चल कोई ना, यहाँ पर हम दोबारा आ चुके हैं, यहाँ पर हम मरे थे, यहाँ पर हमारा लूट बॉक्स, हमारा पर लूट बॉक्स होती है ना ये, जो भी हमारा सामान है जल्दी से सारा सामान ले लिया हमने वापस। यहाँ पर हम आगे की ओर जा रहे हैं कुछ नए पोकेमोन पकड़ने के लिए, और यहाँ पर हमको रायचू मिल चुका है, पिक आ चुका है एवोल्यूशन भाई। सही है यार, चले यार हमने पोकेमोन भेज दिया, पर ये डैमेज दे रहा है इसको यार, पता नहीं क्या है। आपस में बातचीत कर रहे हैं भाई, तो वापस आ जाओ। चलो चिकन हमको डैमेज देगा, अच्छी खासी हेल्थ डैमेज कर दी हमने। ये मेरा फर्स्ट इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन होएगा इस गेम के अंदर भाई, तो बिजली करंट मार रहा है भाई। चलो भाई आ जा 56 यार, क्या यार। तो कोई ना, हम और को पोकेमोन भेज के देखते हैं भाई, हल्का सा डैमेज दियो इसको, मारियो मत यार, रेयर पोकेमोन लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने ऐसे पोकेमोन को अभी देखा भी नहीं गेम के अंदर। वापस आ जा, मेरे को लगा मर गया। चल बहुत कम है इसके चांसेस हैं, 71% चांस है, 83 हो गए भैया। आ जा, चला आ गया, आ गया बस, आ गया, ग्रीन तो हो गया। चलो फाइनली हमने फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोकेमोन पकड़ लिया। यहाँ पर मैं आगे को जा रहा हूँ, यहाँ पर देखो बल्बासोर टाइप के पोकेमोन दिख चुके हैं, और पीछे देखो कोई मोस्टर पोकेमोन आ रहा है, इसके दोस्त की सेना आ रही है, मतलब भाई उससे मैं पंगे नहीं लेता, तो अच्छी बात है, पंगे नहीं लूँगा मैं उससे। गलती से मैंने उस पर मतलब कुछ डैमेज दे दिया, तब तो भाई ये तो हमको बहुत गंदा पीटेगा। चलो यहाँ पर हमको पोल्स पर मिल चुकी है फ्री की, इसको क्लच कर लेते हैं भाई। देखो यार कितना खतरनाक पोकेमोन है यहाँ पर, देखो एक वही हंटर है, इसको हम कैच कर सकते हैं यार, कि 16% रेट तो है क्या कैप्चरिंग रेट, पर इसको हम कैच नहीं कर पाते, इतने कैसे ग्लिच हो गया इसके, यहाँ फंसा हुआ है। चलो इसे कुटाई करते हैं हम, हमारे पास रोते पोल्स भी हैं इस पर, क्या था कैच करके देखते हैं यार। तुम बताना इसको कैच कर सकते हैं यार, क्योंकि इस पर कैप्चरिंग रेट तो आ रहा है, और मैंने पता नहीं यूट्यूब पर देखा भी है कि कई लोगों ने इसको कैप्चर भी किया। देखो 17% इसका वो रेट हो गया भाई, पता नहीं क्या बात है यार। तुम्हें कमेंट में जरूर बताना कि इसको हम कैप्चर कर सकते हैं, तो मैं अपने अलग एपिसोड में कैप्चर करूँगा इसको, अपने बॉडी गार्ड बनाऊंगा। और यार मैं थोड़ा आगे जा रहा था, और यार मैं टाइम भी खत्म होने वाला है। देखो हमको वही पकड़ मिल चुका है हिरन का, पिंक कलर का, उसको कैप्चर करके मजा आ जाएगा यार। चलो भाई जल्दी उसको मार पकड़ना हमको, फिर वापस आया था दूर का डैमेज देता, तो मैंने अपने आयशा पकड़ को भेज दिया है, उस पर डैमेज दे, उस पर भाई उस पर डैमेज। 1 मिनट, इसने पीछे किसको डैमेज दिया है, जो मैं सोच रहा हूँ वही तो हो गया। अब अगले भाई प्रथम भाग, भाग प्रथम ही टप्पा मारेगा, जिसका डर था वही हुआ। क्या यार बुरी किस्मत भाई, इतनी मैं दूर से आया हूँ मैं, मेरे को पता है दर्द भाई, आधे घंटे से घूम रहा हूँ मैं। चलो यार कोई ना, हम आ चुके हैं फाइनली, यहाँ पर सामने मेरे को वो मिल चुका है, हम अपने घर जा रहे हैं, हमको रिस्क नहीं लेना भाई। और मैं आज का एपिसोड भाई इतने रखने वाला हूँ, ये हमारे घर की तरह यार, हम ज़्यादा दूर आ चुके हैं अपने घर से, हमने बहुत सारे न्यू जो मतलब जो एरिया है वो एक्सप्लोर किया आज के एपिसोड में, और कुछ नए पोकेमोन भी पकड़े हैं जैसे कि रायचू। चलो यार आज के एपिसोड में इतने, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। यहाँ पर देखो हमको कुछ नया सामान मिल चुका है सैडल टाइप, तो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में सैडल बनाएंगे और अपने पोकेमोन की सवारी करेंगे। चलो बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।